नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और किताब खाना नाम का एक मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। उस चैनल पर मैंने बाबा साहब ने जो किताब लिखी है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका रिव्यू किया है और उसको अपने चैनल पर मैंने अपलोड किया है। बाबा साहब ने अपने उस किताब में इस्लाम पर कड़ा प्रहार किया और बताया क्यों यही आतंकवादी बनते हैं, क्यों यही जिहादी बनते हैं, क्यों इस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जीने नहीं देना चाहते। हमारा तालीमी निज़ाम इस वक्त गुलाम दर गुलाम दर गुलाम पैदा कर रहा है, हमारा तमाम मीडिया गुलाम है। जब इंसान अगर सिर्फ ये बात भी कर दो, इस आइडिया को भी आप अगर फ्लोट कर दें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्कों का ब्लॉक बनाकर लीड कर सकता है, तो लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये इतने गुलाम है कि इस कॉन्सेप्ट को सोच भी नहीं सकते। जब यूरोपियन यूनियन बन सकता है, नेटो बन सकता है, SCO बन सकता है, ब्रिक्स बन सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इनिशिएटिव लेकर एक मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक लीड कर सकता। लेकिन बात यह है कि करने के लिए भी मर्द आजाद चाहिए, जो मर्द आजाद नहीं है हमारे पास, नहीं है। क्यों जी मंटे साहब, फिर ये मर्द आजाद फिर कहां से आएगा? हम तो हर एक का एग्जाम्पल दे देते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, वेरी गुड। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये सारी इतनी बहस के बावजूद हम इसी जगह पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का काम है चबन मुसलमान मुल्कों की क्यादत करना। भाई जब चबन मुसलमान मुल्क नहीं थे, पाकिस्तान नहीं बना था, तो बाकी 53 मुल्कों की कौन क्यादत करता था? हर मुल्क को अपनी आजाद छोड़ देना, वो मुसलमान है या नहीं है। और ये भी कायदे आजम की तकरीर का जिक्र कर रहे थे, फिर लियाकत अली की तकरीर का और रेजोल्यूशन का जिक्र कर दिया। क्या 11 अगस्त की तकरीर जो है कायदे आजम की, 3 दिन पहले पाकिस्तान का बाकायदा शुरू होने से, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एज प्रेसिडेंट तकरीर की, क्या उसके अल्फाज आज जिंदा हैं? उसके अल्फाज में ये बातें दर्द थी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, आप अपनी मस्जिदों मंदिरों में जाएं, आपका इस बात का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने करारदाद मकासद के जरिए रियासत का ताल्लुक बना दिया। करारदाद मकासद 11 अगस्त की तकरीर की कॉन्ट्रोडिक्शन है। ये फीजे, मैं थोड़ा सा जरा हट के इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो ये कि दुश्मनों को मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो हमारे दोस्त अभी जो बात कर रहे थे कि बिल्कुल हमारे एग्जिस्टेंस को अगर खतरा होगा तो हम डेफिनेटली इसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी इस वक्त वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के काबिल ही ना रहें। जो इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी अर्ली 90s में, उसके सोवियत यूनियन हमसे बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, हमसे बहुत बड़ी फौजी ताकत थी, एक डिसइंटीग्रेटेड विदाउट फायरिंग अ शॉट। और उसका तरीका उन्होंने जो इस्तेमाल किया था, जिसको आज आप 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, कि उसमें गद्दारी, ट्रीजन के जरिए, इकोनॉमिक कोलैप्स के जरिए, मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए, ब्रिंगिंग अ जुडिशियल कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स, एंड उसकी वजह से सोवियत यूनियन जाहिरन उसके सामने कोई दुश्मन नहीं था जिसके खिलाफ वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता, लेकिन द कंट्री डिसइंटीग्रेटेड। और यही ये पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहे थे 9/11 के बाद से। CIA का पूरी रिपोर्ट थी कि 2015 तक पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। TTP की जो इंसर्जेंसी थी, BLA की थी, MQM की जो कराची में थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में जो गद्दार थे, शेख मुजीबुर रहमान हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी 70 में, जो बिक चुकी थी इंडिया के हाथों, और अब तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स थे, ये जो चाहे वो मेमोगेट स्कैंडल में जरदारी इन्वॉल्व हो या नवाज शरीफ हो, अचकजई हो, असफंदियार वली हो, फजलुर रहमान हो, ये सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर चुका था और एक इंटरनल कोलैप्स हो रहा था पाकिस्तानी रियासत का। ये अल्लाह का करम और फजल हुआ कि हम उस क्राइसिस पीरियड से निकल आए, लेकिन अभी थ्रेट बाकी है अपनी जगह पे। इकोनॉमिक कोलैप्स अभी भी आप सफर कर सकते हैं, और जिस किस्म का ये एनवायरमेंट में आपको फंसा दिया है मुल्क को इन्होंने, जिस किस्म का रिस्पॉन्स बिल्ड करना चाहिए अभी हम बिल्ड नहीं कर रहे। मुल्क में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होनी चाहिए थी, मिलिट्री इमरजेंसी होनी चाहिए थी, एग्जिस्टिंग लॉज, और जिस तरह हम पीस टाइम लॉज अप्लाई कर रहे हैं इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इस तरह रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं हो सकेगा। सो आई एम वेरी कंसर्न फ्रेंकली स्पीकिंग, डिस्पाइट द फैक्ट एक यूफोरिया है कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन आप ये बात सांजू की याद रखें, व्हेन यू हियर द वर्ड्स ऑफ पीस एंड प्रिपरेशंस फॉर वॉर, बी वेयर द वॉर इज कमिंग।
पाकिस्तान को पूरी तरह तैयार रहना है, हमें इस नई जंग की तैयारी करनी है, अपनी कौम हमारी तैयार नहीं है इसके लिए, हमें अपना मीडिया कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करनी है कौम की, जिस तरह सीरिया में, इराक में, शाम में हो रहा है, आने वाली जंगें हाइब्रिड होंगी, अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, उस तरह की नहीं होंगी जैसी 65 की जंग हमने सरहद पर लड़ी थी। सो दिस इज व्हाट आवर लीडरशिप हैज टू टेक केयर ऑफ नाउ। ओके, तो मंटे साहब फिर मुझे बताएं एक और एक मसला जो सामने आपके आने वाला है, 2025-26 में वर्ल्ड बैंक के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास तो पानी नहीं होगा, तो दैट विल अगेन क्रिएट अ सिचुएशन, अ वॉर हिस्टीरिया। तो आप तो पीस मांग रहे हैं, हम सब पीस मांग रहे हैं, लेकिन इन द लाइट ऑफ दिस हिंदुस्तान तो फिर इन्वाइट कर रहा है एक जंग को। मेरा नहीं ख्याल कि हम सब पीस मांग रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी डिस्कशन यहाँ पे हुई है उसमें से मेजॉरिटी लोगों का तो कहना यह है कि अमन मांगने का तरीका एक ही है कि अफवाज को, न्यूक्लियर वेपन्स को और हर किस्म के ताकत के जो हरबे हैं उनको मजबूत किया जाए। किसी एक शख्स ने यह नहीं कहा कि ये पाकिस्तान 60% लोग देहातों में रहते हैं, देहातों में फ्यूडल का कब्जा है, वहां पे पैदावार होती है, पैदावार पर फ्यूडल्स का कब्जा है, वहां पे पैदावार होती है, वहां पे लोग नंगे भूखे रहते हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक को इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करनी है तो पहले तो यह फ्यूडल इसका स्ट्रक्चर जो है तोड़ा जाए। कौन है जो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अवाम के नुक्ता नजर से सोचता है? सब अपनी अपनी जो इनके मफादात हैं उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी अपनी छोटी छोटी जो इन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं उनको उनकी वो का दिफा करना चाहते हैं। दिफा होना चाहिए पाकिस्तान की आबादी का, गरीब लोगों का, निचले तबकों का, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई एक आदमी है जो ये कहना चाहता है कि इस पाकिस्तान के अंदर जब तक फ्यूडल सिस्टम मौजूद रहेगा वही हुक्मरान रहेंगे, वही पॉलिटिक्स चलाएंगे, वही इस मुल्क के अंदर दिफा का बंदोबस्त करेंगे और वही स्टेटस को कायम रखने की जद्दोजहद करते रहेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो इकोनॉमिक स्टेटस को तोड़ना चाहती है। अगर नहीं तोड़ना चाहती तो ये सिस्टम कायम रहेगा, मफादात कायम रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम जो है वो गुर्बत से और ज्यादा निचली लकीर पर चले जाएंगे। मुझे बताएं जैद साहब, फिर ये जो एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें और दूसरा ये जब हम बात करते हैं पीस की और फिर मुस्लिम और इस्लामिक ब्लॉक को देखते हैं, सब इस्लामिक ब्लॉक इज अ ट्रबल स्पॉट। यू नेम एनी इस्लामिक स्टेट, इट इज अ ट्रबल स्पॉट फॉर वन रीजन और द अदर। लेकिन हम वेस्टर्न ब्लॉक को देखते हैं, वहां सोशल वेलफेयर भी है जो कि हमारा मजहब ही हमें बताता है, वहां केयरिंग भी है जो कि हमारा मजहब हमें बताता है, लेकिन ये वेस्ट के पास है और हम वी आर स्टिल एट वॉर अमंगस्ट आवर ओन सेल्स। नहीं पीजे, देखिए सिविलाइजेशनल राइज एंड फॉल को अगर आप स्टडी करें तारीख में कौमों के जो उरूज और जवाल हैं, तो कौमों पे ये वक्त आते रहते हैं। एक वक्त था कि जब अंदलुसिया में स्पेन, बगदाद, डमास्कस दुनिया की अजीम शान सिविलाइजेशन थी और डार्क एजेस थे पूरे मगरब में, पूरे यूरोप में। एक वक्त था कि फिर ये मुसलमान सिविलाइजेशन हलाकू खान की इन्वेजन आई, बगदाद तबाह हुआ, डमास्कस तबाह हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड वाज स्लॉटर्ड, मंगोलिया से लेकर लिटरली इजिप्ट तक पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह कर दिया गया। सो ये राइज एंड फॉल कौमों के उरूज जवाल चलते हैं, ये सिविलाइजेशनल हैं, ये तहजीब के अंदर होते हैं। आप पाकिस्तान को या इराक को आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते। जब खिलाफत उस्मानिया वहां डूब रही थी तो मुगल भी यहां डूब रहे थे, दोनों हालांकि आपस में इतना फासला था दो मुसलमान एम्पायर्स का। ये लेकिन मैं तो जैद साहब मैं तो आज की बात कर रहा हूं, आई मीन यू लुक एट द इस्लामिक स्टेट, द इस्लामिक यू नो ब्लॉक, इट इज ऑल टर्मोइल्ड। पीजे मैं इसी पर आ रहा हूं। पहली जंग अजीम के बाद जब मुस्लिम दुनिया को बिखेर दिया गया था, तबाह किया गया था, तो मुस्लिम दुनिया अभी तक संभली नहीं है। 100 साल हुए हैं उस बात को, कौमों के उरूज ज़वाल में ये कोई वक्त नहीं होता। पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का बन जाना वो पहली निशानी थी कि मुस्लिम दुनिया का उरूज शुरू होने वाला है, जिस पर इकबाल ने कहा था करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, नहीं है मेरी निगाह सूए कूफा और बगदाद, जो उन्होंने कहा था कि लिया जाएगा अब तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये खुशखबरियां पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए थी। पाकिस्तान बना इसीलिए था, हमने तामीर पाकिस्तान की है, तकमील नहीं की।
इसीलिए आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है। अरब दुनिया तो पहले ही खत्म थी, वो जब खाक खून में लुट रहा है, तुर्क आबरू बेच रहा है, आबरू दीन मुस्तफा हाशमी बेच रहा है, आबरू दीन मुस्तफा खाक खून में लुट रहा है, तुर्कमान सख्त कोश, पहली जंग अजीम से मुस्लिम दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। लेकिन बात इसीलिए हम कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफा की कि ये मुसलमान दुनिया की इस्लामी तहजीब की आखिरी चट्टान है ये। इफ पाकिस्तान फॉल्स देन मुस्लिम वर्ल्ड विल फॉल फॉर नेक्स्ट 500 इयर्स। पाकिस्तान मस्ट बी डिफेंडेड एट ऑल कॉस्ट। मंटो साहब का जो एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो भी ही इज विद दैट आई एम श्योर, लेकिन इंटरनली जो आपके जो इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल दिस फ्यूडल्स एंड पीपल हु आर एक्सप्लॉइटिंग ईच अदर, आप इसको जब ठीक नहीं करोगे तो हम बाहर से कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? देखिए पीजे, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान, व्हेन वी टॉक ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान, तो वी डिफेंडिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इकोनॉमिक टेररिस्ट ऑल्सो, पॉलिटिकल टेररिस्ट ऑल्सो, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑल्सो। इसीलिए हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि एक ऐसी हमें रियासत स्टेट क्रिएट करनी है कि जो इन सारे हाइब्रिड थ्रेट्स के खिलाफ रिस्पॉन्स बिल्ड कर सके। तो हम इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए इन पावर हैं वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या पाकिस्तान के लिए वो एक एसेट है? जब थ्रेट है तो सिस्टम चेंज कर दे, किसने मना किया है हमको? बात यही है कि हमारी जुडिशरी, हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट को हम फिर देन वील हैव टू चेंज द सिस्टम जो पिछले 70 साल से चल रहा है। क्या एंग्लो सैक्सन जुडिशरी हमें सर्व कर रही है या ये कॉलोनियल लॉज अभी तक इन्फोर्स कर रही है? अगर कर रही है तो चेंज कर दें। क्या ये मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो हमारा मीडिया है वो नेशनल बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है या नेशनल की सबवर्जन कर रहा है? कर रहा है तो चेंज कर दे। यही बात, वी नो द प्रॉब्लम, वी डोंट हैव द करेज एंड द विल टू चेंज इट। ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, एंग्लो सैक्सन लॉज जो अंग्रेज छोड़कर गया था, इन्हें तब्दील करने पड़ेंगे, तब जाके ये जुल्म बंद होगा। पाकिस्तान वॉज मेंट टू बी एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। लियाकत अली खान की वो तकरीर पढ़ लें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले उन्होंने की थी। देवर विजनरी फाउंडिंग फादर्स, आइडियोलॉग्स, रोमांटिक पीपल, दे न्यू वॉट हैज टू बी डन, वी लॉस्ट आर वे आफ्टर दैट। किसने मना किया कि हम वापस चले जाए वहां? ओके, सो वी लॉस्ट अवे। तो मंटो साहब, वुड यू नॉट एग्री और मे बी यू डिसएग्री के एजुकेशन पे हमने उतना जोर नहीं दिया इस मुल्क के अंदर? बिकॉज एजुकेशन जहां जोर भी दिया है, आई मीन स्कूलों के अंदर आप फीसें देख लें, आई मीन एस्ट्रोनॉमिकल, एक आम आदमी जा नहीं सकता है। बट डोंट यू थिंक इस पे भी हमें जोर देना चाहिए? देखिए, मुझे तो पहले बहुत सारी बातें जो हुई हैं वो समझ में ही नहीं आ रही हैं। मुसलमानों के बोल 50 से ऊपर है, 54 के करीब है। यह सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान मुल्क के जो आज से कुछ अरसा पहले बना था उसकी जिम्मेदारी है कि सारे दुनिया के मुसलमानों को ऊंचा कर दें। भाई मक्का मदीना मौजूद है, मिस्र मौजूद है, इराक मौजूद है, ये जो एस्टेब्लिश मुसलमानों की सल्तनतें हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने तो कभी ये कोशिश नहीं की। और ये सब के सब लोग जो तेल के ऊपर बैठे हुए हैं और तेल के मुनाफे खाते हैं, वहां पे बादशाहते हैं, वहां पे डिक्टेटरशिप है, किन मुसलमानों की बात करते हैं आप? ये सारी की सारी बात जो आपने अपनी जिम्मे ले ली है, मुझे जरा बता दीजिए कि क्या आपका पाकिस्तान अगर ना बनता और हिंदुस्तान जो है वो एक ही मूवमेंट के जरिए से आजाद हो जाता और उसमें मुसलमान बसते रहते, जैसे कि अभी भी 20-22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उनका रोल सियासत में खत्म हो गया, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही उनका रोल है। ये क्या बातें करते हैं भाई? मॉडर्न सोसाइटीज जो है वो इस तरह तो नहीं चलती हैं। और मॉडर्न, आपने कहा जमहूरियत का जिक्र किया है, भाई 54 मुसलमान मुल्कों में से कितनी जमहूरियतें हैं? तो क्या आप करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते? इतनी लंबी लंबी कहानियां मत डालिए। ये मुल्क है हमारा पाकिस्तान, यहां पे 20-22 करोड़ इंसान रहते हैं, जरा इनकी तरफ तवज्जो कीजिए और इनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इनकी इक्तसादियात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, इसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाने की कोशिश कीजिए, इसके फ्यूडल कैरेक्टर को तोड़े और यहाँ के लोगों को आखुश करें। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, हमें सारी दुनिया के जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है।